खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C में विशाल पटेल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं, दिखाते हैं उत्तराखंड से उपेंद्र सिंह की यह बड़ी खबर। उत्तराखंड के टिहरी में अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले 8 सूत्री मांगों जैसे पुराने पेंशन बहाली, पदोन्नति से रोक हटाने, केंद्र सरकार की तर्ज पर यू हेल्थ कार्ड की सुविधा आदि मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जब एक 5 वर्ष के लिए बने विधायक, सांसद और मंत्री को पेंशन मिल सकती है तो एक कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, जबकि एक कर्मचारी तो वर्षों तक सरकार को अपना सेवा देता है। अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो बहुत विशाल आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। जो आज एक दिवसीय धरना है और उसके बाद 27 को रैली है, इसमें हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग जो है अपनी मांगों के संबंध में, जो 8 सूत्रीय मांग है हमारी, इसमें चाहे पुरानी पेंशन बहाली का जो मुख्य हमारा फोकस है, और इसके अलावा ACP की व्यवस्था को, पूर्ववर्ती व्यवस्था जो इन्होंने 10-20-30 कर दी उसको 10-16-26, वो भी पदोन्नत पद के साथ, और अन्य हमारा जो है कर्मचारियों के लिए जो यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड का मामला है उसके, और इस तरह से हमारी 8 मांगे हैं जिन पे कि हम लोग जो है आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसी क्रम में टिहरी में भी चल रहा है। ठीक हो गया।